नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में बिहार जैसा गठबंधन होगा कामयाब? अगले वर्ष हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले धर्मनिरपेक्ष शक्तियों और समाजवादियों के व्यापक गठबंधन हेतु सपा द्वारा अपने 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के जरिए प्रमुख नेताओं को एक मंच पर लाने के प्रयासों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब एक साथ आएंगे तब महागठबंधन होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तैयारियां चल रही है। एक ओर जहां भाजपा विरोधी सभी पार्टियों के पास मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के चेहरे तय है, वहीं भाजपा ने अभी इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बने हाईटेक लग्जरी बस पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी यात्रा पर जरूर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने गृह कलह के कारण अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री पद का अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन का अपना अलग प्रस्ताव रखा है, पर उसके साथ अखिलेश को गठबंधन का चेहरा बनाने की शर्त भी जोड़ दी है। ब्राह्मण चेहरे के नाम पर कांग्रेस ने बड़े ही जोर शोर से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। उनको लेकर हुए इस ऐलान से रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी अहम है कि यदि कांग्रेस या बसपा समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत समय से राहुल गांधी अपने भाषणों में भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा को भी निशाने पर ले रहे थे। कांग्रेस से टिकट पाने वालों की कतार में इस बार 3000 लोग शामिल है। सपा से गठबंधन की खबरों पर नेता और कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तबका नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि अगर सपा के साथ समझौता हुआ तो वर्तमान विधायकों को ही टिकट मिलेगा। इतना ही नहीं, 27 साल यूपी बेहाल अभियान का क्या होगा, जिसमें राहुल सत्ता में आने पर यूपी को बदलने का दावा कर रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जासूसी कांड के बाद पाक उच्चायोग के 6 अधिकारियों ने छोड़ा देश। बीएसएफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 14 बंकरों को भारी नुकसान पहुंचाया। भोपाल एनकाउंटर में सीमी आतंकियों के बैरक से मिले दिवाली पर घर आने के पर्चे। द्विपक्षीय संबंधों को मिलकर मजबूत करेंगे भारत नेपाल। इराकी सेना से बगदादी का बचना मुश्किल, मासूल में घेराबंदी तेज।